मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। हमारे घर गई तो पता चला कि तुम यहाँ आओ। लेकिन एड्रेस किसने दिया तुम्हें मेरा? समन, समन मेरी दोस्त है। बैठो। मैंने तुम्हें और सादान भाई को तुम्हारे बारे में ना जाने क्या कुछ कह दिया। सोच भी नहीं सकती थी कि सारे मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो अंदाजा हो गया ना तुम्हें? मैंने उसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी अलिश्बा। मुझे तो अब उसने इस ख्वाब से जगाया। क्या हम कभी कभी एक भी हो सकते हैं? तुम दोनों का आपस का मामला है टीना, मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ? तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैंने सादान भाई को भी बता दिया, तुम गलत नहीं हो। बस कभी कभी वक्त ऐसा आ जाता है कि हमें बहुत कुछ खुद ही गलत साबित करने लगता है। ऐसे ही वक्त मेरी भी जिंदगी में चल रहा है। तुम खुद को ब्लेम मत कर। सारे क्यों करता है ऐसे? और अगर मैं तुमसे कहूं कि क्यों एतबार किया तुमने उस पर? उसने आवाज पे ऐसा काबू पाया कि उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी उसकी हर कही हुई बात पर यकीन होता गया। तो बस फिर जब हम लड़कियां अपने आवाज पर खुद ही काबू खो बैठती है ना, तो फिर और कोई नहीं, हम खुद ही अपनी मुजरिम होती। ठीक कहती हूँ, जब हमारी मोहब्बत हमारे लिए रिग्रेट बन जाए, मान लेना चाहिए कि हम ही गलत हैं, क्योंकि हमने अपने लिए एक गलत इंसान चूज किया। मुझे बहुत अफसोस है।